माय डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड लास्ट लेक्चर में हम आज ये प्रूव करना चाहते हैं, बिफोर गोइंग टू प्रूफ ऑफ दिस, हम एक लेमा प्रूव करेंगे आज। फॉर एवरी बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन, वी प्रूव दिस। मुश्किल क्वेश्चन वन ले लो। वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट बाय पीएमआई ऑन बी, यानी प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक डिडक्शन ऑन बी। यदि हम बी की वैल्यू वन ले लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट क्या आएगी, इसकी वन रखेंगे। देखो तो इसका मतलब समेशन जो है जीरो से कहां तक चलेगा, वन तक, जो भी कुछ है यहां पर। यदि हम जीरो रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा जी आर माइनस वन फैक्टोरियल बटे में आर माइनस वन फैक्टोरियल, नीचे आ जाए दूसरे में आ जाए स्टेप में आ जाए वन रखेंगे तो ये आएगा। तो दिस इज वन प्लस आर। राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट आर की वैल्यू, अभी की वैल्यू वन रखेंगे तो यहां आएगा जो ऊपर आर प्लस वन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल, आंसर इज आर प्लस वन। अल्टीमेटली बोथ आर सेम, दिस इज ट्रू फॉर बी इज इक्वल टू वन। एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फोर एन इक्वल फोर बी माइनस वन, वेयर बी ग्रेटर देन इक्वल टू टू, वी शैल प्रूव इट फोर बी। हम इस बी के लिए प्रूव करेंगे कैसे, इसके दो टुकड़े बना दो, प्लस अब बी रखो एक स्थान पर, बी रखोगे तो बी प्लस वन, बी प्लस टू, इंडक्शन थ्योरम कहती है कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी, बी प्लस वन, बी इंटू बी प्लस वन, और परले का वैल्यू, दूसरे की वैल्यू, ये वैल्यू है ये एज इट इज। अब यहां से इतनी चीज कॉमन आ जाएगी यहां से भी, तो b तो r माइनस वन फैक्टोरियल भी कॉमन आ जाएगा, तो b बटे r प्लस वन, तो टोटल आ जाएगा b प्लस r। और नीचे आ जाएगा जी r फैक्टोरियल। इसी के साथ हमारा ये लेमा प्रूव हो जाएगा। अब हम अपने इस थ्योरम के प्रूफ पर आ रहे हैं, ये वाला प्रूफ। कैसे करेंगे, फॉर एनी गिवन नेचुरल नंबर कैपिटल एन, यहां पर हम दो चीजें मान रहे हैं, एक ए एन, ए एन है नंबर ऑफ
दोज नेचुरल नंबर एन सच दैट जीरो और एन लेस देन कैपिटल एन, यानी वो एन जो कैपिटल एन से लेस है एंड एन कैन बी रिटर्न एज सम ऑफ के केथ पावर्स, यानी कि एन को कैसा लिखा जाए, एक्स वन रेज टू द पावर के, एक्स टू रेज टू द पावर के एंड एक्स के रेज टू द पावर के, एंड इसकी वैल्यू इसके और इसके बीच में हो। ओके नेक्स्ट, अब हम बी एन की बात कर रहे हैं। बी एन के अंदर वो किस सिचुएशन आएंगी जब जीरो से बड़ा हो एक्स वन, एक्स वन से बड़ा हो एक्स टू एक्स के, एंड एक्स के इज लेस देन इक्वल टू दिस। इस टेक्निक का क्या फायदा है, मैं इस टेक्निक का फायदा बताता हूं। बी एन के लिए ये वे कंडीशन है, यानी कि ऐसे चलते जाएं, और एन के लिए कंडीशन है। अब सवाल ये है कि कौन सा बड़ा होगा, एन बड़ा होगा या बी एन बड़ा होगा। मैं आपको बताता हूं कि बी एन बड़ा होगा यदि एक्स के इसके इक्वल हो जाता है, जिसने तो लिखा लेस देन इक्वल टू, तो इसका मतलब एक्स की पावर के इज इक्वल टू एन हो जाएगा। ठीक है, अब ये संख्या और इस संख्या में क्या अंतर है, इस संख्या के फर्क को बिल्कुल क्लियर वर्ड में सोचिए। मैं आपको एक बता दूं, इसको आप मिलकर सिस्टम नंबर वन बोल दो, इसको सिस्टम नंबर टू बोल दो। सिंस एन लेस देन कैपिटल एन, देन every solution of this first system must be solution of system 2। इसका मतलब an की value less than equal to bn। ठीक है, अब ये bn की value निकलेगी कैसे, यहां तक निकले। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका x2 प्लस वन, फिर इसके साथ मिलाओगे जो हमने अभी अभी थ्योरम करी है वो ये रिजल्ट दे रही है। ये धीरे धीरे क्या रिजल्ट बन जाएगा, दिस बिकम्स लाइक दैट। आंसर आ जाएगा इसका एन वन बाई के प्लस वन, एन वन बाई के प्लस टू, और लास्ट में क्या बचेगा, एन वन बाई के प्लस में के बाई के फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम ले रहे हैं इफ पॉसिबल जी के इज लेस देन के, इसका मतलब क्या है, जी के लेस देन के है सो दैट ऑल बट
ए फाइनाइट नंबर कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ के kth पावर्स. ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट नंबर सी. तो एन जो होगा वो इससे बड़ा हो जाएगा. क्यों? हो सकता है कि हमने कहा है कि सारे नंबर लिखे जा सकते हैं सम ऑफ के एथ पावर ऑफ के एथ पावर एक्सेप्ट सम सी. हो सकता है ये सी नंबर जो छोड़े गए हैं वो पहले एन के अंदर आए हैं या आ गए हैं या उसमें भी नहीं आए हैं. तो यह तो इस ये जो नंबर होगा दिस इज ये जो नंबर होगा ऑलवेज बड़ा. इसका मतलब है कि वे एलिमेंट, देखो ये ए एन की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं. ए एन क्या है फिर बता रहा हूं. नंबर ऑफ दोज नेचुरल नंबर एन विच कैन बी ए एन तक, मैं कहता हूं ए एन तक. देखो यहां ए एन के अंदर वे नेचुरल नंबर आए जो सम ऑफ के एथ पावर लिखे गए. यदि इसमें से सी घटा देते हैं, सी वो नंबर है जो के एथ पावर नहीं लिखे जा सकते. तो हो सकता है वो सारे के सारे पहले एन में आए हों या पहले एन में ना आए हों, तो ये नंबर इससे छोटा हो जाएगा. तो हमने ये रिलेशन बना दिया. और एक रिलेशन आपने पढ़ा हुआ था उसका यूज कर देते हैं. अभी पढ़ा है कि दिस इज लेस देन बी एन. तो ये हमारे पास एक नया रिलेशन आ गया. इस रिलेशन का हमने यूज करना है. अभी करते हैं. ये एक नंबर थ्योरी का रिजल्ट है. इस रिजल्ट को इसके ऊपर लगाएंगे तो क्या मिलेगा? एन वन बाई के, एन वन बाई के प्लस वन, एन वन बाई के माइनस वन और बाई के फैक्टोरियल. इससे बड़ा होगा जी बी एन, और बी एन लेस देन होगा ये. तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, जैसे जैसे एन बड़ा होगा और ये राइट हैंड साइड भी करो लगा, जैसे जैसे एन बड़ा होगा दिस एंड बोथ बोथ टेंस टू एन बाई के फैक्टोरियल. इसका मतलब बी एन जो है वो कहां कन्वर्ज करेगा? यहां कन्वर्ज करेगी. ठीक है, ओके. और एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूं कि बी एन यहां कन्वर्ट करेगी और बी एन की वैल्यू, देखो बी एन की वैल्यू में फिर अगर बी एन यहां कन्वर्ट करेगी फॉर सफिशियंट लार्ज एन. जैसे जैसे एन लार्ज होता जा रहा है होगा क्या? अभी अभी आपने एक चीज बताई थी, ये चीज फॉर सफिशियंट लार्ज एन वी से दैट ये छोटा बचेगा बी एन से तो एन इज लेस देन ये बी एन, इसके अप्रोक्सीमेट दिस विच इज ए कंट्राडिक्शन फॉर के ग्रेटर देन टू. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने ये अजम्पशन ली थी कि ये लेस देन इक्वल टू के है वो गलत है, यानी कि ये अजम्पशन करेक्ट है. व्हाट इट मींस? जी के इज ग्रेटर देन इक्वल टू के प्लस वन. यही हमारा आज का मकसद था. नेक्स्ट क्लास में हम इस रिजल्ट के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे. फॉर ऑल थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज द टारगेट ऑफ द नेक्स्ट क्लास. Yeah.